रीजन देखने को मिलते हैं। आज तक का जो मेरा अनुभव है उसके हिसाब से मेरे सामने आज तक दो ही रीजन आए हाथ खड़ा नहीं करने के पीछे। इसमें से पहला हम लोग सभी लोग जानते हैं और वो होता है सर साइकोलॉजिकल मानवीय प्रवृत्ति होती है। और वो क्या होती है, अगर मैंने हाथ को उठा लिया और गलती से कर चल के मुझे ही हो गया तो। लेकिन आप मुझे बताइए अगर हाथ खड़ा करने से कैंसर होता था तो हम लोग जानते हैं ये चीजें खाने की कोई जरूरत ही नहीं थी, हाथ खड़ा कर लो और कैंसर हो जाए। लेकिन सर इमोशनल रीजन भी होता है हाथ खड़ा नहीं करने के पीछे, और वो ये होता है कैंसर का कितना भी बड़ा डॉक्टर क्यों ना हो, वो एंडोकोलॉजिस्ट क्यों ना हो, उस जगह पर मैं भी खड़ा हूं तो मैं भी सपने में भी सब भयंकर बीमारियों को देखना पसंद नहीं करूंगा। लेकिन देखिए सेम सवाल अगर मैंने मेडिकल स्टूडेंट के सामने कर लिया तो नतीजा क्या निकलेगा, जैसे कि आप लोगों ने मेरा साथ दिए थे उन सभी लोगों के ऑलरेडी ऊपर हो चुके रहेंगे। क्यों, क्योंकि उनको शुरू से एक बात सिखाई जाती है कैंसर होने के पीछे का बेसिक सत्य क्या होता है, संभव हो नोट करा तो नोट करके रखे, क्योंकि हमने बचपन में किताबों में पढ़ा था आप लोगों को याद होगा एवरी पर्सन बोर्न विद कैंसर सेम। इंसान के शरीर के अंदर देखिए जन्म जाते ही कैंसर का बीज आ चुका है, हम सभी लोगों में ऑलरेडी कैंसर का बीज है। लेकिन फिर हमने से बैठे किसी के मन में एक सवाल तो होता जरूर होगा कि सर आप बोल रहे हैं कि जन्मजात कैंसर का बीज आ चुका है तो सभी लोगों की वो कैंसर से क्यों नहीं होती, होना तो चाहिए था। ये सवाल जहां तक करेक्ट है, लेकिन एक बात का ध्यान रखिए सर वहां पर जो सेल पाई जाती है वो हमेशा इनएक्टिव स्टेज में होती है, सुप्त अवस्था में होती है, मतलब अपनी जगह पे चुपचाप वो सोई भी रहती है। लेकिन अब वो जागेगी कब, कब जाग सकती है वो, जब उसको एक प्रकार का माहौल मिलेगा वातावरण मिलेगा तब वो जागेगी। समझने के लिए आप सभी लोग थोड़ा जमीन की तरफ फोकस कीजिए। देखिए ये जमीन में बोया गया एक छोटा सा बीज है, अगर इस बीज को मुझे इस प्रकार के पौधे में मुझे परिवर्तित करना है तो परिवर्तित करने के लिए मुझे तीन तीन चीजों की जरूरत पड़ने वाली है, हवा पानी मिट्टी। ये सभी जवाब अगर मैं एक शब्द में चाहूंगा तो किसकी जरूरत पड़ेगी, एक प्रकार के वातावरण की उसको जरूरत पड़ेगी। मतलब हम जानते हैं कि बीज को पौधे में परिवर्तित करना है तो जरूरत पड़ती है वातावरण की। तो देखिए सेम प्रोसेस भी मानवीय शरीर की है, हमारा शरीर अरबों खरबों सेलों से बना हुआ होता है, इन अरबों खरबों सेलों में हरा हरा सा एक ही सेल हमें नजर आ रहा है। तो ये सेल कौन सा सेल हो सकता है जो जन्म जाता है वह कैंसर का एक बीज है। सर अगर इस बीज को यहाँ पर गलती से वातावरण प्रोवाइड हो गया तो क्या होगा।